हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं ब्रजेश आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब के चैनल पे, जहां पे हम एक दूसरे से बातें करते हैं करियर से रिलेटेड, VFX एनिमेशन इंडस्ट्री से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ खास करके उनके लिए जो लोग ग्राफिक्स डिजाइनिंग में अपना करियर बना सकते हैं। सो ग्राफिक्स डिजाइनिंग में करियर बनाने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, आज हम इसी पॉइंट पे बात करेंगे। बहुत ही क्विकली बात करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करेंगे और आपको पूरी तरीके से दिखाने वाला हूँ कि आपको करना क्या है, ठीक है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दो प्रेस। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे ना तो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करना यार बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि कमेंट अगर आप करते हैं ना तो इससे क्या होता है कि हमारा और आपका एक कनेक्शन बनता है, और जब कनेक्शन बनता है तो फिर मजा आता है वीडियो बनाने में और आपको कुछ बताने में। क्योंकि मैंने यही बीड़ा उठाया है कि हमें किसी भी बच्चे को मिसगाइड नहीं होने देना है, चाहे करियर से रिलेटेड हो या फिर कोई भी स्टूडेंट क्यों ना हो। जो लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं या फिर जो लोगों को प्रॉब्लम होने लगता है कि आगे चल के करना क्या है, इन सब का सॉल्यूशन लेकर आता रहता हूं मैं आपके बीच। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जहां पे आपको अपनी पोर्टफोलियो बनानी है। पोर्टफोलियो कैसे बनानी है ये सारी चीजें पूरी डिटेल्स में मैं आपको बताने वाला हूँ बकायदा कंप्यूटर स्क्रीन पे जाकर, और उस प्लेटफॉर्म का नाम है Behance। बहुत लोग शायद आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा और बहुत लोगों ने सुना भी होगा। जिन्होंने सुना है और अगर आपने अब तक उस प्लेटफॉर्म पे अगर अपना पोर्टफोलियो नहीं बनाया है तो आज ही बनाइए। इस वीडियो को मैं पूरी स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, तो वो पूरा का पूरा वो प्लेटफॉर्म पे जाकर अपना पोर्टफोलियो जरूर क्रिएट कीजिए, क्योंकि वो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है हो सकता है आपके लिए, जहां पे अगर आप ग्राफिक्स डिजाइनर हैं या अगर आप आर्टिस्ट हैं, खास करके मैं बात करूंगा ग्राफिक्स डिजाइनर के लिए, या फिर जो आर्किटेक्चरल डिजाइनर है या फिर मोशन ग्राफिक्स वगैरह आप बनाते हैं, यानी कि वहां पे आप वीडियो वगैरह भी अपलोड कर सकते हैं। और एक बहुत ही पॉपुलर प्लेटफॉर्म है Behance, जहां पे आप अपना जो फेवरेट वर्क है, जो आपका बेस्ट वर्क है, वो अपलोड कर सकते हैं। और अपलोड करने के बाद वहां से फिर आप अपना कहीं पे भी जॉब अप्लाई करना हो तो आपको कोई भी सोरिल्स के अलग से कोई पोर्टफोलियो डालने की जरूरत नहीं है, लाइक वैसे वीडियोस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कि आपको बस उस Behance के लिंक को शेयर कर देना है कंपनी के साथ, अपने CV में भी उसको मेंशन कर देना है, तो कंपनी इजीली उस प्लेटफॉर्म पे जाकर उस लिंक के थ्रू, वो जो लिंक है उस लिंक के थ्रू वहां पे जाएगी और वहां पे जाकर आपकी पूरी पोर्टफोलियो पूरी डिजाइंस को देख लेगी एक बार में। तो इससे आपको जॉब में भी आसान हो जाएगा, पोर्टफोलियो में भी, पोर्टफोलियो बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। जब भी आप कोई काम करते हैं, कोई भी बेस्ट वर्क बनाते हैं, तो आप उसे वहां पे अपलोड कर दीजिए। दूसरी बात है कि अगर आपको फ्रीलांस करना है तो फ्रीलांस में भी ये आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि आपके पास ऐसे बहुत सारे वर्क हैं, जो वर्क आप कहां रखेंगे। हो सकता है आपने आज बनाया, 6 महीने के बाद वो डिलीट हो गया, बहुत बढ़िया काम था लेकिन वो किसी कारण से डिलीट हो गया, हार्ड डिस्क क्रैश हो सकता है कभी भी, पेन ड्राइव गुम हो सकता है, या फिर कंप्यूटर आपका फॉर्मेट करना पड़ गया और आपके सारे काम उड़ गए, ऐसा हो सकता है। तो ये सब कुल मिलाकर सेफ भी रखता है आपके वर्क को और एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बन जाता है, किसी इंसान के साथ आप बहुत आसानी से शेयर कर सकते हैं। और कुल मिलाकर देखा जाए तो बहुत ही काम का प्लेटफॉर्म है, जो शायद अभी तक मुझे नहीं लगता कि किसी ने आपको बताया होगा, या अगर आपका ऑलरेडी वहां पे है तो भी आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको उसको प्रोफेशनल तरीके से करना है, ठीक है? तो चलिए बिना देर किए हुए हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और कंप्यूटर स्क्रीन पे जाकर आपको पूरी चीज बकायदा प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, ठीक है? तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स, हम आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो चलिए अभी हम आपको एकदम लाइन बाय लाइन बताते हैं कि आपको यहाँ पे कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पे Behance में, आप यहाँ पे ऐसे Behance टाइप कीजिए और इसे ओपन कर लीजिए। ये आपको यहाँ पे सबसे पहला लिंक मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है? क्लिक करने के बाद आप आ जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले साइन इन करना है, ठीक है? तो साइन इन करने के लिए यहाँ पे आपको साइनअप का ऑप्शन है और लॉग इन का ऑप्शन है। यहाँ पे मैं आपको पहले बता दूं कि इस प्लेटफॉर्म पे अगर आप देखेंगे तो एक से बढ़कर एक आर्टिस्ट लोगों का आपको काम दिखेगा। जस्ट यहाँ पे आप क्लिक करें और यहाँ पर एक से बढ़कर एक आपको यहाँ पे काम दिखेगा। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए, एक से बढ़कर एक आर्टिस्ट के काम मिलेंगे। आप इनके काम से भी काफी इंस्पायर हो सकते हैं, काफी कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा, बहुत तरीके तरीके की चीजें। ये देखिए, जिस टॉपिक पे भी आपको सीखना है, हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग अक्सर डिज़ाइन बनाते हैं लेकिन डिज़ाइन को कभी प्रेजेंट करना नहीं जानते कि हमें उसको कैसे प्रेजेंट करना है किसी के सामने, ताकि वो इस डिज़ाइन को देखकर काफ़ी इंस्पायर हो और उसे मेरा वर्क पसंद आए। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पे, देख सकते हैं आप, ये देख रहे हैं आप,
यहाँ पे सब कुछ है, किस तरीके से लोगो डिजाइन करना है, किस तरीके से उसकी प्रोसेस स्टार्ट करनी है, एवरीथिंग सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। वेक्टर इलस्ट्रेशंस की अगर बात करें तो आपको यहाँ पे वेक्टर इलस्ट्रेशन भी मिल जाएगा। ये देखिए वेक्टर इलस्ट्रेशन है। ऐसे हजारों काम, क्योंकि कभी क्या होता है ना, जब हम सीख रहे होते हैं तो हमें लगता है कि शायद हम जो करते हैं वही सबसे अच्छा है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप जब तक जाकर काम देखेंगे नहीं, आपको समझ नहीं आएगा। यहाँ पे आप जाकर सर्च कर सकते हैं किसी का भी प्रोजेक्ट, और आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं कोई भी टैग लाइक ईवाई डिजाइन से रिलेटेड। तो अगर आप ईवाई डिजाइन से रिलेटेड करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि एक से बढ़कर एक ईवाई डिजाइन आपको बने हुए मिलेंगे। ये देखिए, ठीक है, यूजर पर्सोना, ग्राफिक्स डिजाइनर, कैलिफोर्निया यूएसए, एंड यूजर फ्लो, होम पेज। ये तो बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा कि ये क्या है। टाइपोग्राफी, उसके बाद कलर्स एंड द वायर फ्रेम्स, दीज आर द वायर फ्रेम्स। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं, तो इसलिए ये प्लेटफॉर्म बहुत ही उम्दा प्लेटफॉर्म है। अगर आप यहाँ पे किसी को, आर्टिस्ट को सर्च करना चाहते हैं, अगर आप मुझे सर्च करना चाहते हैं, तो चलिए मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे ऐसे जाएं तो डिजाइनर ब्रजेश कुमार अगर आप ऐसे डालेंगे तो आपको यहाँ पे मेरे बहुत सारे वर्क समझ में आ जाएंगे, यहाँ पे मिल जाएंगे। ये देखिए, ये सारे वर्क मेरे हैं जो कि यहाँ पे सामने आपके डिस्प्ले हो रहा है। मैंने यहाँ पे सर्च किया जस्ट, और सर्च करने के बाद वो आ गया। आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाकर देख सकते हैं ये मेरा UI डिज़ाइन बनाया हुआ है। तो ये पूरी की पूरी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। अभी अभी एक मैंने यहाँ पे अपलोड किया था एक, ये देखिए ई कॉमर्स वेब टेम्पलेट डिज़ाइन भी मैंने अपलोड किया था। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे जब आप आएंगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ों की आइडिया मिलेगी। तो ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट का टेम्पलेट है कपड़े का, जैसे मिंत्रा होता है वैसे ये फैशन प्लस है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरी डिज़ाइन बनाई हुई है यहाँ पे, बेस्ट सेलिंग स्टाइल्स एंड ऑल दैट, नाइट सूट कलेक्शंस, ट्रेडिशनल कुर्ताज एंड सारी कलेक्शंस एंड द फीचर प्रोडक्ट्स। सो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बनाई हुई है, न्यूज़ लेटर, गिव अस योर। तो ये पूरी की पूरी जो वेब टेम्पलेट की डिज़ाइन होती है, ये पूरी की पूरी डिज़ाइन यहाँ पे हमने बना रखी है। ठीक है, आप यहाँ पे आकर जो आर्टिस्ट आपके फेवरेट आर्टिस्ट हैं आप उसे फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे भी फॉलो कर लीजिए ताकि आने वाले टाइम में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल सकता है, और मैं अक्सर यहाँ पे चीज़ें बना के डालता रहता हूँ ताकि आपको किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। ये देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे पैकेजिंग डिज़ाइंस, फिर यहाँ पे देखो एक गिटार बनाया हुआ है, दिस इज़ अ कंप्लीट वेक्टर आर्ट, कोई भी इमेज डाउनलोडेड नहीं है, पूरी की पूरी चीज़ों को ड्रॉ किया गया है और इसको कलर करके बनाया गया है। शूज डिज़ाइंस, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इस तरीके से आप किसी भी आर्टिस्ट को ढूंढ सकते हैं। लाइव स्ट्रीम्स भी यहाँ पे होता है, और या फिर आप अगर एक आर्टिस्ट हैं तो आप भी लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं और लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पे कुछ एक लाइव चल रहा है अभी, और ये आपका चल रहा है पेपर स्टॉर्मी करके, यहाँ पे एक लाइव सेशन अभी चल रहा है ऑलरेडी। ठीक है, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये भी लाइव चल रहा है, ऑलवेज बी क्रिएटिव विथ ओडारी युहान्स। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी, मोशन से रिलेटेड आपको चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे देखिए लाइव स्ट्रीम के अंदर में फर्स्ट एक वीडियो, ये देखिए मोशन ग्राफिक्स के ऊपर कोई यहाँ पे कर रहे हैं, और ये एडोबी का लाइव है, यानी कि बहुत ही पॉपुलर लोग होते हैं। ये देखिए, समझ रहे हैं आप, बहुत ही पॉपुलर लोग होते हैं, जो लोग पॉपुलर आर्टिस्ट होते हैं जो लोग यहाँ पे क्लासेस लेते हैं। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, अनलिमिटेड चीज़ें हैं यहाँ पे सीखने को। जॉब्स भी आपको यहाँ से मिल जाता है, इसलिए मैंने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए द स्टेट प्लेट्स में ग्राफिक्स डिजाइनर एंड इलस्ट्रेटर चाहिए, वी आर लुकिंग फॉर अ ग्राफिक्स एंड इलस्ट्रेटर। फुल टाइम जॉब आपको यहाँ से मिल सकता है, आप यहाँ पे जाइए और अप्लाई ऑन बिहेंस, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बैंगलोर में ये कंपनी है। ठीक है, तो कंटेंट क्रिएटर्स, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे आप जाकर जॉब को भी अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल। देखिए 3D कैरेक्टर एनिमेटर, प्रोडक्ट डिज़ाइनर, ग्राफिक्स डिज़ाइनर, प्रोडक्ट फोटो एडिटर एंड फोटोग्राफर, लुकिंग फॉर वीडियो एडिटर्स, एंड आपने नाम सुना होगा इसका, लुकिंग फॉर वीडियो एडिटर एंड VFX आर्टिस्ट, टेक स्पार्क। सो यहाँ से भी आप जाकर इसको कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा, शायद किसी ने नहीं बताया होगा, इतनी डिटेल्स में मैं बता रहा हूं आपको, आप देख लो एक बार, समझ लो। सो यहां पे देखो सीनियर मोबाइल ऐप डिजाइनर, यहां पे बहुत सारे जॉब्स आते हैं। देखिए 4 दिन पहले पोस्ट हुआ है ये जॉब, आप देख सकते हैं चार दिन पहले पोस्ट हुआ है भाई। और ये देखिए बैंगलोर, न्यू दिल्ली में है, नवी मुंबई में है, हैदराबाद में है। अगर आपको लगता है कि आपको यहां पे जॉब सर्च करनी है, आप जॉब सर्च कर सकते हो, और यहां पे इन लाइक कंट्री भी दे सकते हो। जैसे अगर मुझे जॉब फाइंड करना है सूरत में, और ये है सूरत, और सूरत में हम अप्लाई कर देंगे।
तो आपको यहाँ पे जॉब मिलेगा सूरत में। JDK सॉल्यूशन, ग्राफिक्स डिजाइनर चाहिए भाई, JDK सॉल्यूशंस आपको कहाँ चाहिए आप बताइए मुझे, जगह का नाम बताइए। अगर आपको चाहिए सपोज भुवनेश्वर में, सो भुवनेश्वर में भी आपको जॉब मिलेगा, जी हाँ बिल्कुल मिलेगा। ये देखिए एनीवेयर आपको देख रहे हैं, ये एनीवेयर लिखा हुआ है, मतलब कि कहीं पे भी आपका ये जॉब है। फायर साक स्टूडियो, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बहुत ही डिटेल में बात हो रही है, आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। कौन से फील्ड में आपको जॉब करना है, आर्किटेक्चर में जॉब करना है, आप आर्किटेक्चर में भी जा सकते हैं। और ये सब आप ये भी देख लीजिए कि सिर्फ तीन दिन पहले ये पोस्ट किया गया है, इंटीरियर आर्किटेक्ट का ये 3 दिन पहले सिर्फ और सिर्फ पोस्ट किया गया। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई ऑन ye.com और ये Behance, तो इसके लिए आपको Behance की जो पोर्टफोलियो है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। डिस्कवर में आप जाएंगे, डिस्कवर में आपको यहाँ पे मिलेगा, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में मैं एक एक करके वीडियो बनाता जाऊँगा, और आप बस देखते जाइए और मजा लेते जाइए और इसकी पूरी की पूरी फायदा उठाओ भाई। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको वीडियो देखना है और उसको फॉलो करना है। यहाँ से आप डिस्कवर कर सकते हैं किस चीज़ से रिलेटेड, फोटोशॉप से रिलेटेड, तो आ जाइए फोटोशॉप में, देखिए एक से एक चीज़ें आपको फोटोशॉप से रिलेटेड यहाँ पे मिल जाएंगी, बहुत आइडिया आपको मिलेगा, क्योंकि आइडिया जो है ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये तो थी कि Behance का फ़ायदा क्या है, अब हम बात करते हैं कि इस पर साइनअप कैसे करना है। तो कुछ नहीं करना है, साइनअप करना यहाँ पर बहुत आसान है, आप सीधा साइनअप पर यहाँ पर जाइए और साइन अप पे जाएंगे, अपना ईमेल एड्रेस देंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम देंगे, एंड यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड दे देना है, अपना डेट ऑफ बर्थ दे देना है, कंट्री रीजन इंडिया रहेगा जो भी आपका इंडिया कंट्री है, एंड यहाँ पे आपको क्रिएट अकाउंट कर देनी है, ठीक है। आपको क्या करनी है, क्रिएट अकाउंट कर देनी है, ठीक है। सो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और आप ईजिली वहाँ पे ऐड हो जाएंगे, यानी कि आपका अकाउंट बन गया, अब आपको वहाँ पे प्रोफाइल, अब कैसे करना है ये भी मैं बताता हूँ। तो एक्चुअली मैं अभी साइन अप नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने साइन अप करा हुआ है, सो मैं यहाँ पे लॉग इन कर रहा हूँ, ठीक है जी। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लॉग इन कर रहा हूँ, तो चलिए लॉग इन करते हैं, और लॉग इन करने के लिए मैं यहाँ पे एड्रेस देता हूँ, मैंने दे दिया यहाँ पे अपना एड्रेस दे दिया, साइन इन करना मुझे। अब साइन इन करने के लिए ना आपके मोबाइल पे एक मैसेज आएगा, ठीक है, जो भी आपने मोबाइल में मैसेज डाला होगा, क्योंकि ये बहुत ही सिक्योर है, तो आपके मोबाइल पर एक मैसेज आएगा और वो जो OTP है ना, वो OTP आपको यहाँ पे पुट करना होगा। आई डोंट नो कि मेरे मोबाइल पे मैसेज आएगा या नहीं आएगा। तो साइन इन टू डिफरेंट और यूज अनदर में थर्ड टू रिसीव कोड, चलिए मैं मेल पे मंगा लेता हूँ, मेल पे तुरंत आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड देना है, एंड आई डोंट नो मेरे को पासवर्ड याद है कि नहीं, यस मैं आ गया हूँ, मुझे याद था पासवर्ड, सो अभी मैं आ गया हूँ यहाँ पे, एंड इसको मैं कर देता हूँ अभी स्कीप एंड कंटिन्यू, ठीक है जी। सो ये देखिए, आप जब लॉगिन करेंगे तो आप यहाँ पे इन हो जाएंगे, ठीक है, आप यहाँ पे आ गए। सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे आकर अपनी ये प्रोफाइल क्रिएट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जाना है एडिट योर प्रोफाइल पे, और एडिट योर प्रोफाइल पे आने के बाद आपको यहाँ पे अपना अपना नाम देना है। तो देखिए मैंने नाम दे दिया है, ब्रजेश कुमार दे दिया है। ऑक्यूपेशन क्या क्या है वो सब डाल दीजिए आप ग्राफिक्स डिज़ाइनर, सोशल मीडिया यहाँ पे मैंने लिख दिया है, सोशल मीडिया डिज़ाइनर, VFX आर्टिस्ट, आर्किटेक्चरल डिज़ाइनर, यूट्यूबर, कॉरपोरेट ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, जी हाँ बिल्कुल पर्टिकुलर तरीके से आपको देना है। यहाँ पे एक अपनी अच्छी वाली फोटो डाल दीजिएगा, प्रोफेशनल फोटो डालिएगा, ना कि वो सेल्फी काइंड ऑफ और हीरोइज्म वाला, ऐसा मत डालिएगा। और जो कंपनी में आप काम कर रहे हो उस कंपनी के आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं, अगर कोई कंपनी में काम कर रहे हैं तो डाल दीजिए, और नहीं है तो आप लिख सकते हैं कि फ्रीलांस ग्राफिक्स डिज़ाइनर ऐसे करके भी। इंडिया लोकेशन डाल दीजिए, एंड अगर आपका कोई वेबसाइट है तो आप यहाँ पे वेबसाइट डाल दीजिए, और अगर आपका कोई टीम है तो आप अपना टीम भी क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से, और बाद में उसमें बहुत सारे लोगों को जोड़ भी सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ये मैंने लाइक फेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम के साथ लिंक कर दिया है, ताकि आप जब मेरे प्रोफाइल पे जाएंगे तो आप मेरे डायरेक्ट प्रोफाइल पे जा सकते हैं। अबाउट मी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मैंने छोड़ रखा था, लेकिन यहाँ पे भी आपको ऐड करना है, ठीक है, आपको अपनी डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है अबाउट मी, मतलब कि अपने बारे में आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अच्छे से आपको डिस्क्रिप्शन दे देनी है। वर्क एक्सपीरियंस आपको अपना ऐड कर देना है, एंड एंटर लिंक टाइटल, एंटर URL। लिंक टाइटल मतलब कि अगर आपने कुछ भी डाला हुआ है, जैसे देखिए फीवर पे मेरा कुछ वर्क है तो मैंने फीवर का यहाँ पे डाल रखा है, कुछ कस्टम सेक्शंस हैं तो वो भी आपको यहाँ पे डालने हैं, ठीक है जी, वो भी आपको यहाँ पे डालने हैं, राइट। सो जहाँ पे भी आपका प्रोफाइल है, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो आप वहाँ पे इसको डाल सकते हैं।
एंड देन आप वर्क एक्सपीरियंस में हैं, अभी यहाँ पे लिंक आ गया तो देखिए लिंक भी है, एंड ऐड अ कस्टम, तो कस्टम में आपको कुछ भी जो भी आपको टाइटल्स वगैरह डालनी है वो चीज़ आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो अभी मुझे नहीं चाहिए तो मैं काम करता हूँ कि अभी के लिए इसको छोड़ देता हूँ, चलिए कोई नहीं। तो ये जो एरिया ना बहुत ही क्विकली हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखने का है, बहुत ही सिंपल है, तो आप यहाँ पे आसानी से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारा है, लाइक टेलीग्राम, साउंड क्लाउड, स्केचअप फैन, वर्डप्रेस, गीटहब। अगर आप डिज़ाइनर हैं, वेब डिज़ाइनर हैं, तो आप गीटहब का लिंक डाल दीजिए, पिंटरेस्ट का लिंक डाल सकते हैं, तो पिंटरेस्ट का लिंक भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं डाल देता हूँ लाइक डिज़ाइनर ब्रजेश, मैंने यहाँ पे डाल दिया और मैं इसको कर देता हूँ सबमिट। चलिए सो यहाँ पे ये सबमिट हो चुका है। YouTube की भी आप लिंक डाल सकते हैं, सो YouTube की भी लिंक मैं डाल देता हूँ, तो YouTube का लिंक, जी हाँ बिल्कुल YouTube का लिंक मैं यहाँ डाल रहा हूँ। सो यहाँ पे आपको जाना है और मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ कुमार ब्रजेश, सो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ कुमार ब्रजेश, और ये देखिए हमारा चैनल का लिंक आ गया, और इसे यहाँ से कंट्रोल सी करना है और बस यहाँ पे जाकर कंट्रोल वी कर देनी है, सबमिट कर देनी है। जी हाँ, ये चला गया आपका YouTube का लिंक भी। अगर आपको फ्लिकर का भी है, ट्विटर का भी है, तो मैं डाल दूंगा बाद में, अभी मुझे याद नहीं है उसका। तो चलिए ये सारी चीज़ें आपकी हो गई यहाँ पे, अभी जो भी ये वर्क एक्सपीरियंस वगैरह भी आपको डाल देना, बस इतना आसान है भाई, इतना आसान है यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएट करना। बैक टू प्रोफाइल जाते हैं तो ये देखिए जो जो चीज़ आपने डाली हुई है सब कुछ यहाँ पे आ गया। ये देखिए आपका यूट्यूब का आ गया, जैसे आप यूट्यूब पे क्लिक करेंगे आपको मेरी चैनल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और अगर मैं पिंटरेस्ट पे क्लिक करता हूँ तो आई होप सो कि मेरी वाली जो पिंटरेस्ट का है, यस ये भी खुल गया। पिंटरेस्ट भी बहुत बढ़िया चीज़ है, इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, बहुत अच्छी चीज़ है, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा, सो डोंट वरी। पहले फोकस कीजिए बिहेंस पे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आपने लिंक्डइन पे क्लिक करनी है, लिंक्डइन खुल जाएगा, और लिंक्डइन के बारे में भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, उस वीडियो को भी आप जाकर जरूर देखिएगा, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फेसबुक पे भी आप अगर क्लिक करेंगे तो फेसबुक खुल जाएगा, यहाँ से फीवर है, अगर आप फीवर पे क्लिक करते हैं तो फीवर खुल जाएगा। यानी कि बंदा एक बार आपके इस प्लेटफॉर्म पे आता है और यहाँ पे आने के बाद वो इजीली सब कुछ कर सकता है। अभी देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा था ना, मैं इसको कॉपी करता हूँ और सीधा एडिट योर प्रोफाइल में जाता हूँ और यहाँ पे जो अबाउट मी है मैं यहाँ पे इसको डाल देता हूँ। आई एम ब्रजेश कुमार, हैविंग मोर देन 10 ईयर्स एक्सपीरियंस इन वीडियो एडिटिंग, लोगो एंड पोस्टर डिजाइनिंग, आई हैव ऑल्सो वर्कड एज अ वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डाल दी है। जी हाँ, वर्क एक्सपीरियंस डेफिनेटली यहाँ पे ऐड करना है, लेकिन अभी के लिए मैं छोड़ देता हूँ, बाद में इसको कर लूँगा, ठीक है ना। सो अभी बैक टू प्रोफाइल कर दीजिए, कोई भी बंदा अगर आपके प्रोफाइल को चेक करेगा। एडिट एबिलिटी, यहाँ पे अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे फुल टाइम जॉब और ये डाल दीजिए, अपना बजट वगैरह डाल दीजिए फ्रीलांस के लिए, तो लोग आपको हायर करेंगे यहाँ से डायरेक्टली, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वाली प्लेटफॉर्म है। ये देखिए अप्रिशिएट्स, लोग आपके चीज़ों को देखेंगे और आपको अप्रिशिएट करेंगे कि यस यार आपने अच्छा काम किया है, तो ये अप्रिशिएशन आपको मिलेगा। यहाँ पे देख रहे हैं आपको 43 अप्रिशिएशन, 480 प्रोजेक्ट्स है, व्यू जो है, फॉलोअर्स अभी 23 है, 83 फॉलोइंग्स है, बहुत सारे लोग हैं जो देखते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन आपको कर लेना चाहिए। यहाँ पे देखिए कुछ लोगों ने फॉलो किया है, तो जिन्होंने भी फॉलो किया है उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपको बहुत फायदा होने वाला है यहाँ से अगर आप रेगुलर यहाँ पे विजिट करते हैं। तो वर्क कैसे अपलोड करनी है, तो वर्क अपलोड करनी है आपको शेयर योर प्रोजेक्ट पे, शेयर योर वर्क पे जाना है, शेयर योर वर्क प्रोजेक्ट, आप प्रोजेक्ट पे जाइए और प्रोजेक्ट पे जाने के बाद आपको सीधा यहाँ पे आना है और यहाँ से आपको ले लेनी है कोई भी एक इमेज, जो भी आपको इमेज लेना है वो ले लीजिए, अगर फोटो ग्रीड करेंगे तो आप वो भी ले सकते हैं। यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे जाने के बाद मैं कोई भी एक प्रोजेक्ट लेकर अभी दिखा देता हूँ, बाद में मैं उसको डिलीट कर दूंगा बिकॉज यहाँ पे अभी उतना खास कुछ नहीं होगा आई थिंक, बट लेट मी चेक। सो लाइक एल्बम डिज़ाइन, तो देखिए यहाँ पे कुछ एल्बम डिज़ाइन किया हुआ है, ये ऑलरेडी अपलोडेड है, तो अभी के लिए मैं फ़िलहाल सिंपली एक ऐसे ही ले लेता हूँ एंड बाद में मैं फिर उसको डिलीट कर दूंगा। सो जैसे मैंने इसको ले लिया और इसको लेने के बाद मैंने कर दिया ओपन, जैसे ही आप ओपन करेंगे आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे आ चुका है, ये देखिए ये अपलोड हो रहा है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, अटैच सोर्स फाइल, अगर कुछ सोर्स फाइल डालनी है तो डालिए, मैं रिकमेंड करूँगा कि वो सब मत डालिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है। प्रोटोटाइप में भी अगर आपको कुछ पेस्ट एम्बेड कोड करना है तो आप कर सकते हो, ताकि यहाँ से डायरेक्टली आपके किसी भी जगह पे लोग जा सकते हैं। 3D वाली अगर कोई चीज़ करनी है तो एम्बेड 3D कॉन्टेंट, शेयर फ्रॉम स्केचहब, आर्टिस्ट स्टेशन, ऑटो डेस्क एंड मोर, तो ये सब मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, आपको सिर्फ यहां तक फॉलो करना है। वीडियो ऑडियो करनी है, वीडियो ऑडियो भी डाल सकते हैं यहां से।
एंड स्टाइल वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं, लाइक कौन सा बैकग्राउंड कलर वगैरह रखना है, ये सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। जब ये आपका हो जाए तो आप सीधा चले जाइए कंटिन्यू पे। कंटिन्यू पे आकर आपको यहाँ पे प्रॉपर अपने प्रोजेक्ट की टाइटल देनी है, प्रोजेक्ट की टाइटल देनी है तो मैं दे देता हूँ यहाँ पे फोटो डिज़ाइन ऐसा कुछ नाम दे दिया, और टैग्स देने हैं। टैग्स क्या होता है, जैसे अगर आपका एल्बम से रिलेटेड है तो आप यहाँ पे दे दीजिए एल्बम, एल्बम डिज़ाइन, ऐसे करके कुछ टैग्स आपको मिलेंगे यहाँ पे। देखिए ये टैग्स डाल दीजिए, इससे क्या होता है कि जब लोग बिहेंस पे आकर कुछ सर्च करेंगे तो ये टैग से रिलेटेड जो भी सर्च करेंगे तो आपकी जो वर्क होगा उनको विजिबल हो जाएगा। ठीक है, टूल्स कौन सा यूज़ किया है तो जो भी आपने यूज़ किया वो डाल दीजिए। तो मैं यहाँ पे फोटोशॉप यूज़ किया हूँ तो मैंने फोटोशॉप डाल दिया। ग्राफिक्स डिज़ाइन से रिलेटेड ये चीज़ है, ग्राफिक्स डिज़ाइन से रिलेटेड है, फोटोग्राफी से रिलेटेड है, जी हाँ। एवरीवन विजिबिलिटी रहेगा, ऑल कॉपीराइट्स रिजर्व्ड है, यानी कि कोई भी यहाँ से चोरी नहीं कर सकता है। अगर इसमें कुछ एडल्ट कंटेंट है तो आप एडल्ट कंटेंट डाल सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं तो कोई बात नहीं है। एंड सीधा आप यहाँ पे चले जाइए, इसको कर दीजिए पब्लिश। जैसे ही आप पब्लिश करेंगे आपका जो प्रोजेक्ट है वो पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप फिर डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे इसको शेयर भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये देखिए हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे शेयर हो चुका है। अभी मैं आ जाता हूँ अपने प्रोफाइल में, जैसे मैं आ गया यहाँ पे बिहेंस की प्रोफाइल पे आ जाता हूँ मैं, तो ये देखिए ये एक प्रोजेक्ट अभी अभी मैंने अपलोड किया है, ठीक है। सो मैं चाहता हूँ इसको डिलीट करने, तो मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा या अनपब्लिश कर दूंगा। और अगर मैं इसको प्रमोट करना चाहता हूँ तो मैं इसको प्रमोट भी कर सकता हूँ, यानी कि प्रमोट करेंगे तो आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे, तो उस पैसे देकर भी आप यहाँ से काम कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ बिकॉज ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए मुझे, तो मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। तो इस तरीके से ये अभी डिलीट हो गया। और ये आपको यहाँ पे कोई भी मैसेज वैसेज आता है तो आपको यहाँ पे मैसेज मिलेगा, हे ब्रजेश सिंस अपोलोजाइज, कुछ ऐसे लोग मैसेज किए हुए हैं, सिंस अपोलोजाइज माई टेक टीम अबाउट दिस इशू, वुड यू विलिंग टू, डिड यू एक्सेस द लिंक बाय डेस्कटॉप और मोबाइल, इज ओके, इन विच सॉफ्टवेयर यू डिजाइन द 3D लोगो, इन विच सॉफ्टवेयर। सो यहाँ पे आप एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, कोई टेंशन नहीं है, आप एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं और उनसे बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं। अगर आप लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं यहाँ पे दीजिए वर्क इन प्रोग्रेस का अगर कोई फाइल है तो आप यहाँ पे करिए। वर्क इन प्रोग्रेस का जो फाइल होता है वो बेसिकली 24 घंटे में डिलीट हो जाता है, 24 घंटे में वो एक्सपायर हो जाता है, तो आप वर्क इन प्रोग्रेस फाइल भी अपलोड कर सकते हो ताकि सामने वाले को लगे कि हाँ ये लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक से एक आर्टिस्ट है भाई, आप इन्हें फॉलो कीजिए, देखिए इतना सारा लाइव चल रहा है, आप ये लाइव में जाकर देखिए, आपको एक से एक चीज़ सीखने को मिलेगा जो शायद आप कहीं से नहीं सीख सकते हैं। और ये जितने भी आर्टिस्ट यहाँ पे लाइव करते हैं ये बहुत ही एक्सपीरियंस, बहुत ही एक्सपर्ट और बहुत ही प्रोफेशनल होते हैं, समझ आ गया आपको। तो ये था बिहेंस का पूरा स्टोरी, और आपको जैसा कि मैंने दिखाया आपको ये समझ भी आ गया होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को भाई लाइक जरूर कर लेना, ठीक है। और अगर बिहेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम होता है, अगर आप क्रिएट कर रहे हो और उस वक्त अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप हमारी वीडियो देख लीजिए, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके रखो, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर दो तो मैं लाइव आपको आपके कंप्यूटर का स्क्रीन शेयर करके भी मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ आपके प्रोफाइल क्रिएट करने में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी ना तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आ गया होगा कि बिहेंस में प्रोफाइल कैसे बनाते हैं। कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके जरूर बताइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहां पे भी आप हमसे बात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में रखते इतना ही, वीडियो तो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक किए बगैर जाना मत। जी हाँ, देखिए अभी तक आपने लाइक नहीं किया और ना ही अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब किया, मुझे दिख रहा है, देखो आपके नीचे देख रहे हो जहाँ पे वीडियो चल रही है ठीक उसके नीचे देखो वो बटन अभी भी लाल है यार, उसे दबा दो, उसे ग्रे कर दो, बगल में घंटा आएगा उसे भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो इस वीडियो में रखते इतना ही, दीजिए हमें इजाजत, जय हिंद जय भारत।